नमस्कार दोस्तों, दोस्तों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर आप भी एक यूट्यूबर हो, आपने अभी हाल ही में अपना नया यूट्यूब चैनल बनाया है, या फिर आप अपने यूट्यूब चैनल को काफी लंबे समय से ऑपरेट करते चले आ रहे हो, आपका चैनल मोनेटाइज भी हो चुका है, तो आज का ये वीडियो है सभी उन यूट्यूबर भाइयों के लिए है जिनका यूट्यूब चैनल वो ऑपरेट कर रहे हैं और उनके यूट्यूब चैनल से वो कुछ पैसे की प्राप्ति भी कर रहे हैं, और जिनका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है उनके लिए भी ये वीडियो काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ हैकिंग क्रैकिंग के बारे में जानकारी देने वाले हैं। यानी कि अगर आप अपने यूट्यूब चैनल को लंबे समय तक, काफी कई सालों तक आप सुचारू रूप से ऑपरेट करना चाहते हो, तो ये 2 या 3 मिनट का वीडियो आपको कंप्लीट देखना बहुत ही अनिवार्य है। अन्यथा आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर कभी भी किसी भी प्रकार की आपत्ति उत्पन्न हो सकती है और आपका यूट्यूब चैनल बिल्कुल हैक किया जा सकता है। तो अगर आप अपने चैनल को हैक करने से बचाना चाहते हो तो ये 2 या 3 मिनट का वीडियो आपको जरूर देखना है। और ये वीडियो देखने के बाद में मेरा ओपन चैलेंज है कि आप अपने यूट्यूब चैनल को बहुत ही लंबे समय तक सुचारू रूप से बिना झिझक के, बिना डर के आप बिल्कुल से ऑपरेट कर सकते हो। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप सभी के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा विदाउट स्किप के। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को एक छोटी सी जानकारी जरूर बताना चाहूंगा। अगर आप एक नए यूट्यूबर हो, अगर आपने हाल ही में अपना नया यूट्यूब चैनल बनाया और आपके वीडियोस के ऊपर व्यूज की मात्रा बहुत ही कम आपको देखने को मिलती है और आप अपने चैनल को फ्री में प्रमोट कराना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का लिंक दिया जा रहा है। इंस्टाग्राम के माध्यम से आप अपने चैनल की इन्फॉर्मेशन हमारे तक भेज सकते हो ताकि हम हमारे अगले वीडियो के अंदर आपके चैनल को प्रमोट कर सके, जिससे आपके वीडियोस के ऊपर ज्यादा से ज्यादा व्यूज की प्राप्ति होती रहे और आपका चैनल भी दिन प्रतिदिन ग्रो ही ग्रो होता चला जाए। तो हम बात कर रहे थे कुछ हैकिंग क्रैकिंग के बारे में। तो इस समय हमारा एक फेस्टिवल सीजन चल रहा है, यानी कि आप सभी को पता है कि इंडिया के अंदर सबसे बड़ा फेस्टिवल सीजन, या फिर हम कह सकते हैं कि त्योहारी सीजन, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारा शादी का सीजन इंडिया के अंदर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ही होता है। और इस महीने के अंदर, इन 3 महीने के अंदर सबसे ज्यादा खरीदारी की जाती है, चाहे ऑनलाइन मान लीजिए, चाहे ऑफलाइन मान लीजिए। तो यानी कि सबसे ज्यादा पैसे का हमारा खर्च इंडिया के अंदर इन्हीं 3 महीनों के अंदर होता है, क्योंकि इस महीनों के अंदर हमारी दीपावली भी आ जाती है, कुछ हमारी शादी ब्याह का सीजन भी आ जाता है और कुछ हमारी सर्दी का सीजन भी आ जाता है, जिसके अंदर लोग काफी ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। तो आप सभी के लिए मैं आपको बता दूं, और इस समय हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी काफी ज्यादा बुरा असर हमें देखने को मिलता है। यानी कि काफी सारे हैकर्स ऐसे हैं, काफी सारे चोर ऐसे हैं जो कि अब घरों में घुसकर चोरी नहीं करते, वो ऑनलाइन ही चोरी करना पसंद करते हैं। यानी कि इस समय हमारे जो इंडिया के चोर हैं, या हम कह सकते हैं कि इंडिया के जो बाहर के चोर हैं, यानी कि विदेशी जो चोर हैं, वो क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा सातिर हो चुके हैं और बहुत ही, ये मान लीजिए, स्मार्ट तरीके से आपके चोरी भी कर लेते हैं और आपको एहसास भी नहीं होने देते। तो अगर आप एक यूट्यूबर हो और आप अपने यूट्यूब चैनल से काफी ज्यादा पैसा अर्न कर रहे हो, या फिर आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होने वाला है, तो बिल्कुल आप सचेत रहिए, कहीं आपका यूट्यूब चैनल ये दूर बैठे हैकर्स चोरी नहीं कर ले, कहीं आपके यूट्यूब चैनल को ये हैक नहीं कर ले। तो आप अपने यूट्यूब चैनल को हैक करने से बचाने के लिए कुछ आपको सावधानी आपको बरतनी होगी, और वो सावधानी अगर आप सुचारू रूप से बरतते हो, सुचारू रूप से आप उनका सारा का सारा ध्यान रखते हो, तो आपका यूट्यूब चैनल चाहे चोर हो, चाहे चोर का बाप हो, वो भी हैक नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए आपको कुछ सावधानी आपको जो बरतनी है वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहला जो काम करना है आपको, अपना ईमेल आईडी और अपना पासवर्ड आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है। ईमेल आईडी और पासवर्ड का मतलब मैं यहां पर ये बताना चाहूंगा कि जिस ईमेल आईडी से आपने अपना यूट्यूब चैनल बना रखा है, वो ईमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना। व्हाट्सएप पे, मेल के ऊपर, मैसेज के ऊपर, या फिर फेसबुक के ऊपर, या फिर अदर कोई भी सोशल साइट्स के ऊपर आपको अपनी ईमेल आईडी और अपना पासवर्ड वो नहीं बताना जिससे आपने अपना यूट्यूब चैनल बना रखा है, अन्यथा आपका यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत ही बुरा असर आपको देखने को मिल सकता है और आपका यूट्यूब चैनल हैक भी किया जा सकता है।
दूसरा है आपको डोंट क्लिक एनी लिंक एनी सॉफ्टवेयर लिंक, यानी कि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी लिंक के ऊपर क्लिक नहीं करना, किसी सॉफ्टवेयर के लिंक के ऊपर आपको क्लिक नहीं करना, क्योंकि इस समय हमारे यूट्यूबर के पास काफी सारे हमारे स्पॉन्सरशिप के मेल भेजे जाते हैं, काफी सारे लुभावने ऑफर दिए जाते हैं कि ये हमारा सॉफ्टवेयर लिंक है, ये हमारा एप्लीकेशन लिंक है, आप इसके ऊपर क्लिक करके इंस्टॉल करिए और अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर दो शब्द हमारे सॉफ्टवेयर के बारे में बताइए, हमारे एप्लीकेशन के बारे में बताइए, हमारे प्रोडक्ट के बारे में बताइए और इसके बदले में आपको हम इतने डॉलर आपको देंगे। तो इस प्रकार के बिना किसी सोचे समझे लिंक के ऊपर आप क्लिक मत करिए, कहीं क्लिक करते ही आपका YouTube चैनल आपके हाथ से ही चला जाए और आप बिल्कुल पछताते रह जाओ। तो सोच समझकर आप किसी लिंक के ऊपर क्लिक करिए और जांच पड़ताल करने के बाद ही, सारे के सारे जांच पड़ताल अगर आपको कंफर्म हो जाए उसके बाद ही आप उसके ऊपर क्लिक करिए, अन्यथा मेरा तो यही कहना है कि आप उसके ऊपर क्लिक ना करें। और अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो डोंट इंस्टॉल एनी एक्स्ट्रा ऐप, यानी कि आपको किसी भी प्रकार की अपने मोबाइल के अंदर, अपने लैपटॉप के अंदर, अपने डेस्कटॉप के अंदर ऐसी कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करनी है जिसके बारे में आप बिल्कुल भी नहीं जानते, जिसका लिंक आपके पास आया हो मैसेज के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक के द्वारा या फिर अदर कोई भी प्रकार से आपके पास आया हो, तो आप उस एप्लीकेशन के बारे में नहीं जानते तो आपको अपने मोबाइल के अंदर, अपने लैपटॉप के अंदर, अपने डेस्कटॉप के अंदर इंस्टॉल नहीं करनी, क्योंकि काफ़ी सारी ऐप ऐसी होती है हमारी जो कि इंस्टॉलेशन के टाइम पर हमसे काफ़ी सारी परमिशन ग्रांट कराती हैं हमारे वीडियोज़ के बारे में, हमारे कैमरेज के बारे में, हमारी सिक्योरिटी के बारे में, हमारे मैसेज के बारे में और हमारे कंटेक्ट के बारे में। तो इस प्रकार की एप्लीकेशन जब परमिशन ग्रांट कराती है तो जो हमारा दूर बैठा हमारा एप्लीकेशन का जो ओनर होता है, जो उसका निर्माता होता है, उसके पास आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन चली जाती है और सारा का सारा एक्सेस आपका उसके पास चला जाता है और वो दूर बैठे ही आपके मोबाइल के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी गतिविधि कर सकता है, आपकी कोई भी सिक्योर इन्फॉर्मेशन का वो मिसयूज कर सकता है, आपकी बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन, आपकी डिटेल्स, आपकी फोटोग्राफ्स, आपके कॉन्टैक्ट्स या फिर आपकी ईमेल आईडी के साथ या फिर आपके यूट्यूब चैनल के साथ किसी भी प्रकार की कोई भी छेड़खानी वो कर सकता है और आप उसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकते। तो इस प्रकार की जो भी एप्लीकेशन के बारे में आपको नहीं पता, आपको उसको डायरेक्टली इंस्टॉल नहीं करना है। जिसके ऊपर आपको बिल्कुल कोई भी थोड़ा सा डाउट हो आप उसको बिल्कुल से डिलीट कर दीजिए, उसको इंस्टॉल मत करिए और उसको किसी भी प्रकार की अपनी परमिशन ग्रांट मत करिए। तो बिल्कुल आपको ये ध्यान रखना है। अगली बात अगर हम करते हैं, अगले पॉइंट्स की अगर हम बात करते हैं तो डोंट यूज सेल फोन चार्ज पब्लिक एरिया। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार क्या करते हैं, हम ट्रेवल करते हैं और हमारा सेल फोन बिल्कुल से डेड हो जाता है, हमारी बैटरी बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाती है, बिल्कुल से हमारी डाउन हो जाती है। तो कहीं पर भी पब्लिक सेक्टर एरिया में आपको अपना डिवाइस यूएसबी के थ्रू कहीं पर भी चार्ज नहीं करना है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, काफी सारे यूएसबी ऐसे हैं जो कि पब्लिक एरिया के अंदर हमारे किसी ना किसी कंप्यूटर से कनेक्ट रहते हैं और जैसे आप उसके अंदर यूएसबी इंसर्ट करते हो तो आपका सारा का सारा डेटा वो कंप्यूटर सिंक कर लेता है और उसके बाद में वो उसका किसी भी प्रकार से कोई भी दुरुपयोग कर सकता है। तो आपको कहीं पर भी पब्लिक एरिया में अपने डिवाइस को चार्ज नहीं करना। आप अपना पावर बैंक बिल्कुल साथ रखिए, कभी भी आपको आवश्यकता पड़ जाए तो आप अपने पावर बैंक से उसको चार्ज करिए। ये कुछ ऐसे सिक्योरिटी रीजंस हैं जिसको जानना बहुत ही आवश्यक है, अन्यथा आपका YouTube चैनल हैक किया जा सकता है। और अगले पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो डोंट शेयर ओटीपी क्लिक नोटिफिकेशन एनी। आपको किसी भी प्रकार का अपना ओटीपी किसी के साथ शेयर नहीं करना। और कई बार क्या होता है, कई लोग हमारी ईमेल आईडी ओपन करने के लिए बोलते हैं, हमारी ईमेल आईडी ओपन करने की कोशिश करते हैं तो कुछ हमारे फ्लैश मैसेज हमारे मोबाइल के ऊपर नोटिफाई आता है। तो आपको उसके फ्लैश मैसेज के ऊपर किसी भी प्रकार की परमिशन आपको ग्रांट नहीं करनी और ना ही अपना ओटीपी किसी के साथ शेयर करना। अगर आपने कोई भी ओटीपी अपना बता दिया या फिर कोई भी फ्लैश मैसेज आपके मोबाइल के अंदर आया और आपने उसको परमिशन ग्रांट कर दी तो आपकी ईमेल आईडी का पासवर्ड भी वो चेंज कर सकता है, किसी प्रकार का मिसयूज भी वो कर सकता है और आपके यूट्यूब चैनल को
हैक भी वो कर सकता है। तो इस प्रकार की अपनी ओटीपी किसी के साथ शेयर नहीं करना, और किसी भी प्रकार का कोई भी फ्लैश मैसेज आए तो आपको उसको परमिशन ग्रांट नहीं करनी। जी हाँ दोस्तों, एक छोटे छोटे पांच ऐसे कुछ पॉइंट्स थे जिनका अगर आप सुचारू रूप से ध्यान रखोगे तो आपका यूट्यूब चैनल चोर क्या चोर का बाप भी आ जाए तो वो भी हैक नहीं कर सकता, और आप अपने यूट्यूब चैनल को सुचारू रूप से लंबे समय तक ऑपरेट कर सकते हो और यूट्यूब से काफी ज्यादा पैसा कमा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद यही करता हूँ कि ये इन सभी बातों का आप ध्यान रखोगे और अपने यूट्यूब चैनल को सुचारू रूप से आप ऑपरेट करते रहोगे और कभी भी अपनी इन्फॉर्मेशन किसी के साथ आप लीक मत करना। यही कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर ली जाए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना, और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।